27-28 की मध्य रात्रि पड़ेगा सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, किन राशियों में इनका क्या असर पड़ेगा और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, आइए जानते हैं ज्योतिषी बालेंद्र से। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पंडित ज्योतिषी आचार्य बालेन जी। बालेन जी से हम जानने की कोशिश करेंगे इस चंद्र ग्रहण के बारे में, इस सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण में क्या है खास। पंडित जी, हमारा सबसे पहला सवाल जी, ये चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण दरअसल ये 27 जुलाई 2018 को जो पड़ रहा है तो ये सदी का सबसे महान चंद्र ग्रहण है। और 110 वर्ष पीछे जो चंद्र ग्रहण अब तक पड़े हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और विश्व घटना चक्र पर सबसे ज़्यादा महान असर डालने वाला चंद्र ग्रहण साबित होगा। चंद्र ग्रहण दरअसल जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आवरण आ जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा के ऊपर एक छाया प्रतीत होती है, उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ये आज के विज्ञान के अनुसार। लेकिन भारतीय ज्योतिष में हमारे ऋषि महर्षियों ने जो है राहु केतु जब सूर्य और चंद्रमा के साथ में जब एक ही डिग्री, एक ही अंश और एक ही कला में गोचरी स्थिति में उनको संक्रमण कर लेते हैं तब ये चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण पड़ता है। जैसा कि आपने बताया जी कि भारतीय परंपरा अनुसार राहु केतु, जी जी साइंस के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना ये सदी में 110 साल बाद संयोग हो रहा है, ये कितने घंटे रहेगा? ये दरअसल रात को 11:54 से प्रारंभ है चंद्र ग्रहण और 3:49 तड़के सवेरे प्रातः तक जो है तो चंद्र ग्रहण विद्यमान रहेगा। कुल मिलाकर के 3:55 चंद्र ग्रहण का काल रहेगा, यानी समय रहेगा। और इन 3:55 में पूरे विश्व घटना चक्र पर, जातक के ऊपर और अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग स्थितियां साबित होंगी। पंडित जी जरा हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाइए 3:55 का असर जी, खासकर देश पर, रीवा पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है और इनसे बचने के क्या तरीके हैं? जानकारी देना चाहूँगा समस्त दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कि इस चंद्र ग्रहण में सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण के 3:55 के काल में व्यक्तियों को चाहिए कि वो पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, ये सारे अनुष्ठान विधि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन जब तक पूजा पाठ और यज्ञादि हवनों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने हम बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो हर एक जातक, हर एक व्यक्ति और हर एक जीव जंतुओं के ऊपर प्रतीत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके कुप्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि रीवा के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, तो रीवा के ऊपर चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद अचानक अद्वितीय रूप से बारिश का आवेग बढ़ जाएगा। राजनीतिकों के प्रति रीवा के जनता कहीं ना कहीं द्वेष और दुर्भावना ही साबित होगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है तो राजनीतिज्ञों के प्रति अपने कार्य का निष्पादन न होने का गुस्सा झेलना पड़ेगा। पंडित जी जी जैसा कि आपने बताया चंद्र ग्रहण राजनेताओं को भारी पड़ने वाला मौसम के अनुसार भी आपने बताया भारी बारिश की आशंका है। जी 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 आम आदमी तो इनसे बचाव के तरीके ढूंढ लेगा। हम आपसे, हम अपने दर्शकों को ये जानना चाहेंगे, दर्शकों की तरफ से मेरा एक सवाल है जी पंडित जी की, खास किसी राशि पर कुछ खास तरीके का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि इस चंद्र ग्रहण में अलग अलग राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और जो प्रभाव पड़ेगा उससे हम निदान कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस चंद्र ग्रहण में मेष राशि वाले व्यक्ति संयम से काम लें, किसी भी व्यक्ति के प्रति कटु वाणी का प्रयोग ना करें,
नहीं तो नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों को मान सम्मान में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य उनके निष्पादित होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए दूर विदेश गमन की यात्रा के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो आपके कार्य रुके हुए हैं, जो डिले हो रहे हैं, उनके पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे स्वस्थ दर्शकों कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये मकर राशि में पड़ रहा है और इसका पूर्ण रूपेण जो प्रभाव है वो उससे सप्तम भाव की राशि कर्क राशि के ऊपर जबरदस्त प्रभाव साबित होगा। तो यहाँ पर कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर नुकसान, चोट, दुर्घटना, अचानक व्यापार में हानि, किसी प्रतिष्ठित या राजनीतिक व्यक्तियों से वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, अतः ध्यान रखें आप। सिंह राशि के जातकों के लिए अभी आप जो नए कार्य शुरू करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का आपने कोई योजना बना रखी हो तो कुछ दिन के लिए आप उसको निष्क्रिय कर दें, नहीं तो नुकसान निश्चित है। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। इसमें दूर लंबी दूरी की यात्राएं बनेंगी और रुके हुए जो धन हैं उसमें आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे और कहीं ना कहीं उनकी कृपा का आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी जी, ये तो आपने बताया राशियों का चंद्र ग्रहण पर प्रभाव, अभी तक 6 राशियों का। जी जी, बाकी जो राशियां बची उनके साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जी, जिन व्यक्तियों को राशियों का ज्ञात नहीं है जी, वो चंद्र ग्रहण से बचाव कैसे करें? चंद्र ग्रहण से बचाव इसका बहुत सीधा सा अर्थ है, यदि किसी भी जातक को, व्यक्ति को अपनी राशि के बारे में, अपनी लग्न के बारे में ज्ञात नहीं है तो वो तो किसी योग विद्वान की शरण में जाकर के उनसे पता कर लें। यदि वो भी संभव ना हो तो यहाँ पर अलग अलग राशि के हिसाब से जो बीज मंत्र होते हैं उनका चुनाव करके उस ग्रहण काल में 3 घंटा 55 मिनट के मध्य में वो उन वांग्मय बीज मंत्रों का जाप करके उनके कुप्रभाव से बच सकते हैं। पंडित, कुछ राशियां छूट गई थी जी, उनको भी हमारे दर्शकों को बता दें। हम तुला राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा ये चंद्र ग्रहण। इसमें व्यापार में वृद्धि, पूर्ण धन लाभ की प्राप्ति होगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि की जो जातक है वो लंबी दूरी की यात्रा ना करें, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं। यहाँ पर चोट और वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं और बेवजह अपने घर में क्लेश ना करें। धनु पंडित जी जी, धनु राशि जी रह गई है मेरे ख्याल से। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही यश, प्रतिष्ठा और उत्तम धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा भयग्रस्त हो सकते हैं, अतः ध्यान रखें। जैसा कि आपने बताया मकर जी, मकर में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जी, तो मकर राशि वालों के लिए इस तरीके का ये फायदा है या इसमें किस तरीके का है, इसको थोड़ा विस्तार से बताने का। जी बिल्कुल जावेद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया दर्शकों की भलाई के लिए। दरअसल जिस राशि में, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में ग्रहण काल प्रारंभ होता है तो उस राशि और उस नक्षत्र के जातकों के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायी होता है। अगर हम मकर की बात करें तो मकर राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। इसमें चिंता, भय और धन हानि के संयोग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं शत्रु पीड़ा भी उनको प्राप्त होगी, अतः इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि उनकी जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उन ग्रह दशाओं के अनुसार उन ग्रहों के बीज मंत्र का जाप जरूर करें, इससे हम चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। पंडित जी, दर्शकों को जरा, हमारे दर्शकों को अच्छे से विस्तार से एक बार थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें 3 घंटे 55 मिनट के दौरान जी,
कुछ खास सावधानियां, घर से निकलना या इस तरीके की, जैसे अक्सर ग्रहण में के बारे में ये बात होती है घर से ना निकलें, ये करें वो करें, चंद्रमा की तरफ ना देखें, क्या इस तरीके का भी बचाव करने की कुछ ज़रूरत है क्या? बिल्कुल बचाव करने की ज़रूरत है जावेद जी। दरअसल ये चंद्र ग्रहण चूँकि रात को ही पड़ता है तो रात को तो अधिकतर लोग सो जाते हैं जी, लेकिन फिर भी चाहिए कि इसमें गर्भवती स्त्रियां बाहर ना निकलें और जो बीमार व्यक्ति हैं वो भी बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर चंद्र ग्रहण की जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और बच्चों को भी बाहर निकलने से मना कर दें और कोशिश ये करें कि बाहर का जो आवागमन हो कम से कम मात्रा में हो, अंदर ही रहें और पूजा पाठ में ध्यान दें, जब तब में ध्यान दें, और अलग अलग ग्रहों की जो दशाएं आपके जीवन में चल रही हैं उस टाइम पर उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करें। इससे निश्चित ही आप चंद्र ग्रहण के कुप्रभाव से बच भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें पूर्ण रूपेण एक अच्छे व उत्तम सुफल की प्राप्ति होगी। कुंभ और मीन राशि बच गई उनके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। आप आगे बढ़ने के बारे में जो सोचते हैं कहीं ना कहीं रुकावट और बाधाओं की स्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो उसमें निश्चित ही यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके जो रुके हुए कार्य हैं उच्च प्रतिष्ठित लोगों से एक अच्छे लाभ अर्जित होंगे। इसके अतिरिक्त कोशिश ये करें कि माता और पिता की सेवा जरूर करें, इससे आपको उत्तम धन लाभ वैभव की प्राप्ति होगी। मीन राशि के व्यक्ति चिंतित और व्यथित रहेंगे और इसके अतिरिक्त वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के चलें। इन सभी 12 राशियों के जो फल हैं वो इस चंद्र ग्रहण के आसपास के वातावरण में निर्मित होंगे, अतः आप उनके तत्वों को बखूबी ध्यान दे करके कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और निश्चित ये चंद्र ग्रहण आप उपाय करके चंद्र ग्रहण में अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी पंडित जी ने हमको बताया 110 साल बाद यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 110 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहले जो चंद्र ग्रहण पड़ा था उसको हमारे साथ किसी ने भी शायद ही देखा हो, क्योंकि एक आज के इस आधुनिक युग में 110 साल का जीवन संभव नहीं है। हमारे पंडित जी ने हमको बताया यह चंद्र ग्रहण नेताओं पर भारी पड़ सकता है, इसलिए नेता खास तौर से सावधानी बरतें। बाढ़ आने की संभावना है, बारिश, तेज बारिश की संभावना है, निचले इलाके के रहने वाले लोग भी इसको सावधानी बरतें। हम पंडित जी के बहुत आभारी हैं। पंडित जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बातें बताई, उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की, उसके लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी जी, आपने ढेर सारी बातें बताई जी जी, एक सबसे जरूरी बात तो आपने हमारे दर्शकों को बताई ही नहीं जी, इस चंद्र ग्रहण में ऐसा वो कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव उनके जीवन पर कम हो सके। आपने तमाम दर्शकों के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जावेद जी, मैं आपको जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। दर्शकों, इस चंद्र ग्रहण के 3 घंटे 50 मिनट के काल में आप एक महत्वपूर्ण स्तोत्र और वांग्मय बीज मंत्र का जाप करके आप इनके कुप्रभाव से बच सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपने जीवन को आप सुखी और समृद्धिदायक बना सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले उत्तम कार्य यह है कि इस ग्रहण काल में आप रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करें। कोशिश ये करें कि 11 पाठ करें, इससे निश्चित ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त आप चंद्रमा के वांग्मय बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः बीज मंत्र का जाप करें, इससे आपके समस्त पाप दोष नष्ट होंगे और आपको उत्तम आत्मज्ञान के साथ साथ आत्मबल की प्राप्ति होगी।